नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से शुक्रवार को केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में मुक प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के देवड़िया भवन के समक्ष किसान आंदोलन, तीन कृषि कायदे रद्द एवं भारत बंद को लेकर मुक आंदोलन मध्य नागपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से किया गया है। इस समय नगर सेवक, पदाधिकारी और समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित थे। शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा एक दिवसीय अनशन किया गया है। कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार से मांग की गई कि तीन कृषि कानूनों को रद्द किया जाए ताकि किसानों को राहत मिले। किसान बीते कई दिनों से कृषि विधेयकों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार है कि उनके कानों तले जू तक नहीं रेंगती। इसलिए कांग्रेस द्वारा एक दिवसीय अनशन व मुक आंदोलन किया गया। आज का ये हमारा कार्यक्रम महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी से हम लोगों को आया है और शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विकास भाऊ ठाकरे के मार्गदर्शक में और मध्य नागपुर ब्लॉक 18 के नेतृत्व में लिया गया है। आज की हमारी मांग ये जो 115 दिन आज जो 4 महीने हो गए हैं, जो हमारे किसान भाई कृषि कानून जो काला बिल मोदी सरकार द्वारा लादा गया है उसके लिए किया गया है, और ये हमारा आज का निषेध ये हमने खामोशी से किया और ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया है। और हमारी ये गवर्नमेंट से मांग है कि जल्द से जल्द ये कृषि कानून वापस ले। वो भी देश का हिस्सा है, आज किसानों की न्यूज़ कहीं नहीं है। आज कोरोना काल आया है तो किसानों को कहीं नहीं दिखाया जा रहा है। 8 से 10 दिन हो गए हैं, कोई न्यूज़ में आज किसानों का कई नामों निशान नहीं है। तो वो किसान जो है, जो हमारे किसान भाई है, कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पूरी उनके साथ है, कांग्रेस कमेटी हम लोग उनके साथ है और हमारा ये निषेध चालू रहेगा जब तक के काला बिल वापस नहीं लेंगे। कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ किए गए आंदोलन से केंद्र सरकार कांग्रेस की मांग पूरी करता है या नहीं, ये तो अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरे के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, BCN न्यूज नागपुर।